चुनाव अपनी जी आपसे अनुरोध है, माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। आदरणीय अरविंद अग्रहरी जी हमें और माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। पीछे हो जाइए पीछे। आदरणीय किरण सिंह जी, आदरणीय अरविंद श्रीवास्तव जी, आदरणीय अखिल गुप्ता जी, आदरणीय विजय सिंह जी, आदरणीय कृपया मन में खाली करते जाए तुरंत, जो पीछे दो तीन लोग रह गए हैं। अभी उन्नाव से मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ से सदर से इसके बाद सदर जाऊँगा और दूसरी जगह और जगह जाना है। कल भी फिरोजाबाद, उससे पहले इटावा, औरैया, महोबा, झांसी और तमाम जिलों में, बरेली, मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, आज पूरे प्रदेश में भ्रमण करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण का जो परिणाम भविष्य में आएंगे, पहले ये भी जो चुनाव हुआ है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने मतदाताओं को कि बड़ी आशंकाओं को उन्होंने दूर कर दिया है और जो जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर ध्रुवीकरण करने के सपने आ रहे थे लोगों को, मैं समझता हूँ कल मतदान के बाद उनको बुरे सपने आना प्रारंभ हो गए हैं और 10 मार्च के बाद और बुरे सपने आएंगे हार के। जिस तरीके से लोगों ने राष्ट्रवाद के पक्ष में और विकासवाद के समर्थन में अपने मतों का प्रयोग किया है, अभूतपूर्व है। और मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में भी हमारी जो विकास यात्रा है, जो हमने काम कराए हैं, उनके आधार पे निश्चित रूप में पूरे प्रदेश की स्थितियाँ अलग दिखाई पड़ेंगी। और मैं कह सकता हूँ कि मैं रायबरेली जहाँ खड़ा हूँ, कभी ये कांग्रेस का गढ़ रहा करता था और कांग्रेस में ऐतिहासिक है, इसमें दो राय नहीं, 100 साल पुरानी कांग्रेस, लेकिन 100 साल पुरानी कांग्रेस जो गांधी बाबा वाली कांग्रेस थी, वो नहीं है। ये एक ऐतिहासिक जर्जर इमारत हो चुकी है और जर्जर इमारत जो है अब निर्बल जो नेतृत्व के कारण कभी भी ढह सकती है, यानी रायबरेली में तो अब इस ऐतिहासिक इमारत का ढहना बिल्कुल निश्चित है। और मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस और उनकी सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और उनकी सहयोगी दल बहुजन समाज पार्टी और उनकी सहयोगी दल MIM, ये सब मिल जाएं तब भी अब उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है, उस उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेगी और जो सपा बसपा, कांग्रेस और MIM है, वो 3 अंकों को प्राप्त नहीं करेगी। रायबरेली की सारी सीटें BJP और BJP के सहयोगी दल जीतेगा, इसका शंखनाद आज हो चुका है।